जोधपुर शहर में पिछले 10 से 15 सालों में पर्यटन स्थल के रूप में इतना विकसित हो गया है कि यहाँ पर देश विदेश से बड़ी सेलिब्रिटी अपना जन्मदिन मनाने के साथ साथ शादी तक करने जोधपुर आ रहे हैं। जोधपुर का ऐतिहासिक उम्मेद भवन पैलेस और मेहरानगढ़ फोर्ट, जो अपने हेरिटेज के रूप में विश्व प्रसिद्ध है, आजकल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जोधपुर एक ऐसा शहर है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और जोधपुर शहर के खान पान, रहन सहन और कलरफुल होने के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं, लेकिन जो प्रमुख तीन कारण हैं, एक तो जोधपुर एक उभरता हुआ पर्यटन केंद्र है। आज राजस्थान में उदयपुर और जयपुर से ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो जोधपुर होता जा रहा है, क्योंकि जोधपुर में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, हवाई यात्राएं और ट्रांसपोर्ट रोड के माध्यम से भी बहुत सुंदर तरीके से जो है वो सड़कें बन जाने से अहमदाबाद से, बॉम्बे से और दिल्ली से कनेक्ट हो गया है। पूरे विश्व में जोधपुर के पहनावे को लेकर भी लोगों में काफी आकर्षण रहता है, और यहाँ के साफे हों या ब्रेसेस, विशेष तरह की वैरायटीज की ज्वेलरी भी यहाँ लोगों को आसानी से मिल जाती है। इन सब को देखने और समझने और एंजॉय करने के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। जोधपुर एक्चुअली अपने आप में बहुत ही अच्छा वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। साथ साथ जोधपुर इतना फेमस हो चुका है वेडिंग्स के कारण, और जो जोधपुर की खासियत है, जो जोधपुर का अपनापन है, अपनायत है, उसके लिए ये प्रसिद्ध है। खाने पीने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की मिठाइयाँ स्वादिष्ट हैं, यहाँ के मिर्ची बड़े बड़े स्वादिष्ट लगते हैं, यहाँ की हवेलियाँ, सबसे बड़ा लोगों को इंटरेस्ट जो है जोधपुर सन सिटी के नाम से जाना जाता है, और जोधपुर साथ ही साथ ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। उम्मेद भवन जो है यहाँ का बहुत ही वेडिंग डेस्टिनेशन के नाम पे बहुत खूबसूरत जगह है। पर्यटकों के लगातार बढ़ते आकर्षण को देखते हुए राज्य सरकार यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास कर रही है। 106 एकड़ जमीन एयरपोर्ट विस्तार के लिए दी है, उसमें काम शुरू हो चुका है। तो एक साल के बाद में जब ये पूरा विस्तार काम पूरा हो जाएगा, तब निश्चित रूप से यहाँ प्रतिदिन सुबह 6 से लेकर रात को 10 बजे तक 15 से 20 फ्लाइट आएगी, और जितनी फ्लाइट ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही हमारा यहाँ का एक टूरिस्ट का काम बढ़ेगा, हमारे होटल इंडस्ट्री बढ़ेगी, हमारे टूरिस्ट पॉइंट बढ़ेंगे, हमारे जो टैक्सी वालों को बढ़ेगा, शॉपिंग बढ़ेगी। जोधपुर में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो एक नाइट स्टे करते हैं, अभी परंपरा बनी एक नाइट स्टे करने के जाते हैं। हम लोग ये प्रयास करें कि टू नाइट स्टे करें, जितना स्टे बढ़ेगा उतना ही हमारा काम बढ़ेगा। जोधपुर अब तक कई शाही शादियों का गवाह बन चुका है। अब सभी की निगाहें एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की शाही शादी पर टिकी है, जिसकी यहाँ पर होने की संभावनाएं प्रबल है। अरुण हर्ष, जी मीडिया, जोधपुर।